हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट रिस्ट ग्रैब। अगर कोई आपकी रिस्ट पकड़ लेता है आकर, तो आप उसको कैसे छुड़ाएंगे। छुड़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ओके, अगर रिस्ट पकड़ा है, हो सकता है आपको सेम साइड से भी होल्ड कर सकता है या आपको अपोजिट साइड से भी होल्ड कर सकता है। तो इस केस में आपने क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई पकड़ता है तो आप उसको फिंगर जैब मार सकते हो, आँख में, ग्रोइन पे किक मार सकते हो। बट अगर आपको उसको डैमेज नहीं करना है, आपने उसको सिर्फ कंट्रोल करना है, तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे, तो पहले मैं दिखाऊंगा ऑपोजिट साइड अगर कोई पकड़ता है तो अगर उसने रिस्ट पकड़ी है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उसके हाथ को होल्ड करना है यहाँ से, ताकि वो उसको हटा ना सके। तो जैसे ही आपने इसको होल्ड किया, आपने अपने बॉडी के फोर्स से, आपने उसको बड़ा सर्कल नहीं देना है, नहीं तो आप लॉक नहीं लगा पाओगे। अगर मैं बड़ा सर्कल देने की कोशिश भी करता हूँ, रेजिस्ट करना, रोकने की कोशिश करना, मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो इस केस में आपने क्या करना है, अपने हैंड को बॉडी से क्लोज रखना है, रिस्ट को और अपनी फिंगर्स को ऊपर उठाना है, एंड देन ये देखिए वन। सो आपने उसको रैप कर लिया, बॉडी को आपने टर्न किया, अब आप रिस्ट को होल्ड करेंगे, एंड देन जब आप उसको नीचे दबाएंगे तो ये लॉक लग जाएगा। ओके, नाउ सेम चीज आप इससे भी कर सकते हैं, अगर सेम साइड पकड़ा है। ओके, तो आपने हैंड को होल्ड करना है और आपने इसको रिवर्स टर्न करना है, और ये देखिए अब ये जो फलक्रम है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये वन वन टू थ्री, तो इस पोजिशन पे आ जाना चाहिए। सो वन होल्ड किया, नाउ टू, एंड देन मैं इसको नीचे प्रेस कर दूंगा, नाउ यू कैन कंट्रोल योर ओपोनेंट। तो इस तरीके से आप अपने दुश्मन को या अपने ओपोनेंट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।